हेलो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे डॉक्टर दर्बेश की हर वो बात जो आपके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, मैं डॉक्टर दर्बेश आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। दोस्तों, समर सीजन अब शुरू हो गया, गर्मी धीरे धीरे आने लगा है और हम सब कैसे इस सीजन में फिट रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, इसके बारे में एक छोटा टिप्स आज आपको मैं देने वाला हूं। क्या है वो? आप लोग सारे कॉपर जग के बारे में सुने होंगे। कॉपर जग में पानी रख के रात में सुबह पीने से काफी फायदा होता है, ये आम बात है, मगर इसको मैं थोड़ा खास करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि इसकी टेक्निकलिटी क्या है। फर्ज करो, आपने तांबे के जॉग में पानी रख के अगर पीते हो तो होता क्या है आपके शरीर में? दोस्तों, आप सबको पता होगा हमारा जो शरीर है इसमें हर तरह का विटामिन, मिनरल, सारे चीजें हैं, तभी इस हम लोग चल पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, बातें कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और हमारी क्रिएटिविटी है। दोस्तों, सेहत के लिए पानी पीना अच्छी आदत है। स्वस्थ रहने के लिए हर इंसान को दिन भर में कम से कम 8-10 ग्लास पानी तो जरूर पीनी चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि सुबह के समय यानी सूर्य उदय के पहले पहले, अगर पॉसिबल हुआ हम लोग उठ पाए तो, तांबे के पात्र का पानी पीना विशेष रूप से लाभदायक होता है। इस पानी को पीने से शरीर की कई रोग बिना मेडिसिन के, बिना दवाई के हम ठीक कर सकते हैं। साथ ही इस पानी से शरीर के जहरीले तत्व बाहर निकल जाते हैं, यानी शरीर हमारा डिटॉक्सिफाइड हो जाता है। शरीर में जितना भी मैला पड़ा हुआ रहता है, जो पुरानी क्रोनिक चीजें पड़ी रहती है जिसमें विष होती है, जिसमें आपका जहरीला तत्व होता है, वो सारा बाहर निकल आता है। दोस्तों, रात को कोई भी एक तांबे का बर्तन ले लीजिए, चाहे वो जग होना क्यों, उसको पॉसिबल अगर होता है उसमें पानी भरने के बाद बाहर आपका जैसे छत है या कोई बालकोनी है इसमें रख लीजिए, जिससे कि उसमें आपका चंद्र का प्रभाव भी आता रहे, ठंडकपन उसमें आता रहे। गर्मी के टाइम में होता क्या है, समर सीजन में खास करके, कि हमारा शरीर में काफी गर्माहट रहती है उस, और तांबे का पानी जब हम पीते हैं उसमें ठंडापन बहुत होती है, तांबा ठंडा होता है, इसलिए विंटर सीजन में और बारिश के समय में मना किया जाता है तांबे के बर्तन वाला पानी मत पिया करो, क्योंकि उससे कफ बढ़ती है। तो दोस्तों, आप इस चीज को ध्यान रखें कि तांबे का बर्तन में कम से कम 8 घंटे तक वो पानी रहनी चाहिए, तभी तांबे का लाभ आपके उस पानी में आएगा, यानी पूरी रात भर वो पानी रहनी चाहिए। जिन लोगों को कफ की समस्या है, साइनसाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, वो लोग कोशिश करें तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी को ना पिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि तांबे के बर्तन का पानी पीने से बहुत सारे शारीरिक और मानसिक फायदे होते हैं। शरीर में और दिमाग में अगर तनाव बहुत ज्यादा होता है तो मसल स्टिफ हो जाते हैं और दिमाग में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब आने लगते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो पानी आप पीते हो सुबह बैठ के बिस्तर में, आप बैठें धीरे धीरे करके दाहिने हाथ में ग्लास को पकड़ें, तांबे का जो बर्तन से पानी उसमें डालें और धीरे धीरे उस पानी को चबाने के जैसे पिएं, यानी कम से कम 4 ग्लास पानी आपको पीना ही पीना है। तो दोस्तों, कहते हैं जो पानी ज्यादा पीता है उसका स्किन में ग्लो रहती है, क्योंकि उसका शरीर डिटॉक्सिफाइड हो जाता है। अधिक उम्र में जो झुरिया वगैरह हमारे शरीर में आता है, स्किन में आता है, वो बिल्कुल इससे ठीक रहती है अगर आप तांबे वाला बर्तन में पानी रख के रात भर सुबह पीते हो। डेड स्किन निकल जाता है, त्वचा का ढीलापन जो है वो खत्म हो जाती है, और दोस्तों सबसे अच्छी बात है ये थायराइड को भी नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन के असंतुलन के कारण थायराइड की बीमारी होती है। थायराइड के प्रमुख लक्षण में तेजी से वजन घटना या फिर बढ़ना, अक्सर के देखा गया है बढ़ जाता है वजन हमारी, अधिक थकान महसूस होना और हमको कोई काम करने में झील ना होना,
मगर तांबे का पानी जैसे आप पीना शुरू करोगे, एक महीने के अंदर आप देखोगे आपके अंदर एनर्जी आ रही है, आपके अंदर ताकत आ रही है और आपको हर काम करने को इच्छा शक्ति आपकी बढ़ जाती है और थायराइड की दवाई भी देखा गया है धीरे धीरे कम होते जाती है। दोस्तों गठिया, गठिया की जिनको बीमारी रहती है, खास करके गठिया में क्या होती है, आपका बात प्रकोप बढ़ जाती है। तो तांबे वाले बर्तन में पानी रख के जब पीते हो, तांबे का अंशकर आपका जो इनसफिशियंसी है वो अगर ठीक हो जाता है तो आपका गठिया की बीमारी भी दोस्तों ठीक हो जाती है। और आज के दिन में कम उम्र में भी लोगों को गठिया की और जोड़ों की दर्द होने लगे हैं, तो आप इसको एक आदत बनाइए और रोज आप तांबे के बर्तन में पानी रख के सुबह जल्दी जरूर पिए और इससे आपकी गठिया की शिकायत होना कम हो जाएगा, जोड़ों की सूजन और आपकी यूरिक एसिड ये सब कम होने लगेगा और आपकी दर्द ऑटोमेटिकली कम होगी, तो आपको चलने में घूमने में बड़ा आसान हो जाएगा। दोस्तों स्किन के ऊपर तो इसका लाजवाब फायदा है, अधिकतर लोगों को हेल्दी स्किन के लिए तरह तरह का कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप अगर तांबे वाला पानी पियोगे तो आपका त्वचा सुंदर हो जाएगा, उसके अंदर चमक आएगी और रोजाना जो आपका शरीर टॉक्सिन्स के कारण किसी को पिंपल्स हो रही है, किसी को घमोरियां हो रही है और कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उनका बिल्कुल ये समस्या जीवन भर के लिए ठीक हो जाएगा। सिर्फ आपको चार महीना भी अगर तांबे का पानी आप इस्तेमाल कर लेते हो तो इसका फायदा होना दोस्तों तय है। दिल की भी बीमारी इससे दोस्तों अच्छी हो जाती है, तनाव आजकल सभी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है, इसलिए दिल का रोग और तनाव में लोगों को बहुत सारे नुकसान होने लगते हैं। जैसे आप इस तरीके का पानी पीना शुरू करोगे ये रक्त संचार को भी बेहतर करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को, सबसे बड़ी बात है कोलेस्ट्रॉल लेवल इससे आपकी कम होगी, बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी कम होगी और अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा, जिससे तालमेल होगी, बैलेंस्ड होगी और आपका हार्ट मसल्स अच्छे से काम करेगा और आप निरोग रहोगे। दोस्तों तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हर चीज ना कोशिश करो, कोशिश करोगे, रेगुलर आदत करोगे, तभी जाके आपको इसका फायदा होगा। और एक मजेदार बात आपको बताता हूं, एनीमिया खास करके फीमेल और औरतों को खून की बड़ी कमी रहती है, अगर आप रोजाना लगातार 4 मंथ्स तक कॉपर जग का पानी पियोगे दोस्तों आप आश्चर्यजनक इसका रिजल्ट देखोगे, इससे आपकी खून की जो समस्या है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी और कैंसर, कैंसरस सेल इससे डेवलप नहीं होंगे और कैंसर आपका इससे ठीक भी होगा। हमेशा कैंसर होने पर तांबे बर्तन में रखा हुआ पानी आप लगातार पियो, लगातार पियो। इसमें इस प्रकार के जल में खास करके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो रोग के साथ लड़ने की क्षमता काफी रखते हैं। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार कपर में कई तरह से कैंसर मरीज को यह हेल्प करता है और इतना लाभदायी है दोस्तों कि हम इसका अगर इस्तेमाल लगातार करें तो हमारी कैंसर तहत भी ठीक हो सकती है। और दोस्तों वेरी इंटरेस्टिंगली जिनकी वेट ज्यादा है, जिनकी वेट बढ़ती रहती है, उनके लिए एक अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है कि आप अगर तांबे का पानी लगातार पीते हो तो रोजाना 4 से 6 ग्लास अगर आप पी पाते हो और आप डिटॉक्सिफाइड कर पाते हो बमन प्रोसेस के माध्यम से, तो दोस्तों हर महीना आपका 2 से 3 किलो एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा वेट आपका घट जाएगा। तो इसका अनेक प्रकार का लाभ है, पाचन क्रिया को ये काफी अच्छा कर देता है, काफी आपका पेट आपका ठीक हो जाता है, स्टमक तो इससे बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाता है। दोस्तों तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप रात में रखे हुए कॉपर पानी को सुबह बैठ के आराम से पियो, इसका फायदा उठाओ और समर सीजन में खास करके इसका फायदा 5-6 गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज रहा आपके लिए ये मेरी वीडियो जिसमें हमने तांबे के बर्तन का पानी पीने से कैसे हम हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, ब्यूटी हमारी निखरेगी, हार्ट हमारा अच्छा रहेगा, कैंसर तहत हमारी ठीक हो जाएगी, किडनी के ऊपर जो भार पड़ती है, किडनी हमारी जो खराब होती है, इससे भी हम बच सकते हैं और एक एनर्जेटिक लाइफ जिसमें ताकत हो,
जिसमें हमारी क्रिएटिविटी हो, ऐसा जिंदगी हम जी सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, जिससे कि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज आपके पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।